साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। रवि पथ समाचार पत्र और द मीडिया हाउस के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि परिचर्चा 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसमें प्रयास रहेगा कि हर रोज़ या एक दिन छोड़ के परिचर्चा की जाए नए नए विषयों को लेकर के। कल हमने परिचर्चा की थी कि हरियाणा में हालात कांग्रेस कैसे, हालात कांग्रेस के हैं। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं और परिचर्चा का जो आज का विषय लिया है वो लिया है जननायक जनता पार्टी और हरियाणा जनसेवक पार्टी। आप सभी को पता ही है कि 2019 के जब चुनाव हुए थे तो जननायक जनता पार्टी उस समय नई पार्टी के रूप में हरियाणा में आई और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, 10 सीटें लेकर के सरकार में शामिल भी हुई। तो अगर इस बार की बात करें, चुनाव नज़दीक हैं लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, लेकिन इस बार एक नई पार्टी हरियाणा जन सेवक पार्टी, जिसका जींद में एक बहुत बड़ा आगाज किया गया बलराज कुंडू की ये पार्टी है, तो वो भी अपने सारे हथियार लेकर के पहुंच चुकी है चुनाव मैदान में। और आज इसी पे परिचर्चा रहेगी। जो साथी कमेंट के माध्यम से बात करना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। जो साथी लाइव जुड़ना चाहते हैं वो रवि पथ पेज के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें, हम उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और इस पे परिचर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ आज विशेष तौर पर जुड़ेंगे हमारे बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी हैं, इंद्रपाल चाहर जी, नरेश रोहा जी और सतबीर चहल जी। द मीडिया हाउस के सभी साथी भी अभी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ेंगे। आप जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए ताकि आज की जो परिचर्चा है उसको हम शुरू कर सकें और आप साथियों के विचार पब्लिक तक पहुंच सकें कि 2024 के जो चुनाव होंगे हरियाणा में किस प्रकार के सिनेरियो, किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आज इस विषय पर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जननायक जनता पार्टी आज डिप्टी सीएम जिनके हरियाणा सरकार में हैं और गठबंधन की सरकार जो चल रही है, एक जो बहुत अच्छा सिनेरियो 2019 में बना कि 10 सीटें लेके जननायक जनता पार्टी हरियाणा में पहली बार आई और गठबंधन के साथ 5 साल लगातार अब सरकार चली है। इसी प्रकार से जो अब की अगर हम बात करें तो इस वक्त हरियाणा में हरियाणा जन सेवक पार्टी के नाम से बलराज सिंह कुंडू ने खास करके 2024 के नए वर्ष के साथ ही बड़े आगाज शुरू कर दिए हैं। उनकी पार्टी जो है 2024 का पहला सप्ताह, जो पहला रविवार है, उसमें एक जनसभा हलका उकलाना में करने जा रही है और वहाँ से वो एक बहुत बड़ा आगाज करेगी, एक बहुत बड़ा ऐलान करेगी। और इस तरह से उन्होंने सिलसिलेवार अपने कार्यक्रम तय किए हैं। उसके बाद 14 तारीख का, 21 तारीख का, फिर 28 का, फिर बरवाला में, तो प्रत्येक विधानसभा में जिस प्रकार से तैयारियों में जुटे हैं। तो हमारा आज का विषय भी यही है कि JJP का एक विकल्प क्या भाजपा बन सकती है, JJP का इस बार किस प्रकार से हरियाणा में रहने वाला है और भाजपा कितना अपना वो कर पाएगी, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ आप कमेंट डाल करके अपनी बात रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये सिनेरियो बनेगा, ये समीकरण बनेंगे जिसमें कहा जा सकता है कि भाजपा जो हरियाणा जन सेवक पार्टी बलराज कुंडू की है, जो विधायक हैं महम से और 10 सीटों वाली पार्टी हरियाणा में है जननायक जनता पार्टी,
तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप अपने विचार, अपनी राय हमें दीजिए, और हमारे साथी हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ ताकि ये परिचर्चा शुरू की जा सके। तो आप ही कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इस बार का जो सिनेरियो आप क्या मानते हैं कि किस तरह से हरियाणा में जो दो पार्टियां हैं, पिछली बार जो नई पार्टी के रूप में आई और 10 सीटें पहली बार में लेकर के गठबंधन सरकार बना करके 5 साल तक सरकार चला रही है, और इस बार जो पार्टी नई बनी है वो क्या इस प्रकार के समीकरण बन सकते हैं जिस प्रकार से पहले बने थे कि बलराज कुंडू की ये जो हरियाणा जन सेवक पार्टी है ये आपके विचार से कितनी सीटें ले सकती हैं, कहाँ कहाँ ये अपना प्रभाव रख सकती है, कहाँ कहाँ के सिनेरियो बदलने में। नरेश कुमार जी को मैं इनवाइट कर लेता हूँ, नरेश कुमार जी हमारे साथ चुके हैं, इंद्रपाल चाहर जी भी जुड़ने वाले हैं। बताना चाहता है कुछ भी तो वो ज्वाइन हो गए हैं हमारे साथ। नरेश कुमार जी, स्वागत है नरेश जी। जी धन्यवाद कुंडू साहब, आज की परिचर्चा में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मैं नरेश जी कब प्रकट होंगे। नरेश जी, जैसे कि द मीडिया हाउस ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू कर दिया है परिचर्चा 2024, आज जी का सर, जो विषय है वो है जननायक जनता पार्टी वर्सेज हरियाणा जन सेवक पार्टी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछली बार 2019 के चुनाव में जब 10 सीटें लेकर के जेजेपी ने बहुत अच्छा यहां पर प्रदर्शन किया और सरकार में भागीदारी की, अब जो नई पार्टी आई है तो आपके विचार में क्या लगता है कि ये जेजेपी का एक जिस प्रकार से जेजेपी ने अपना प्रदर्शन किया था इस प्रकार का कोई प्रदर्शन कर पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए कुंडू साहब, ऐसा है कि हर कोई सफल होने के लिए प्रयास करता है, जी और एक प्रयास दुष्यंत चौटाला ने भी किया था। दुष्यंत चौटाला में उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए थे। और वहीं अगर बात करें बलराज कुंडू की नई पार्टी की, हरियाणा जनसेवक पार्टी की, जी तो प्रयास तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ में है कि वो इसका कितना प्रसाद उनको दे पाएंगे। जिस प्रकार से देखा जाए विधानसभा में एक अच्छे लेवल पर आवाज उठाते, जनता की, आम जन की आवाज को उठाने का काम बलराज कुंडू जो है वो बखूबी कर रहे हैं। वहीं धरातल की अगर बात करें तो कई ऐसी योजनाएं जो है वो लेकर के आ रहे हैं जिससे आम जन को काफी सुविधा उपलब्ध हो सके। जिनमें से दो है, वो एक ये है कि आटा चक्की जो है वो उन्होंने शुरू की है। वहीं एक बड़े लेवल की अगर हम बात करें तो स्कूली छात्राओं के लिए जो बस की सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, और पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पंचग्रामी की मैं बात करूं, उकलाना हल्के की अगर मैं बात करूं, जी तो पिछले दिनों उकलाना में भी एक बस सेवा शुरू की है। तो ऐसे में लगता है कि प्रयास तो वो कर रहे हैं, लेकिन जनता इसका कितना आशीर्वाद उनको दे पाएगी ये एक देखने वाली बात रहेगी। शायद अनिल बिठमड़ा जी और इंद्रपाल जी जुड़ना चाह रहे होंगे, एक बार मैं रिक्वेस्ट जी करना चाहूंगा कि जी आप मैं इनको भी जोड़ने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। बिल्कुल देखिए हमारे साथ बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं सबको जोड़ने की प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक उनकी तो जी नहीं जी आई है नरेश जी, जोगिंदर सिंह जी की जरूर आई है, मैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ अगर वो हो गए, और मुझे लगता है कि वो ज्वाइन कर गए। जी स्वागत है जोगिंदर जी आपका। नमस्कार नमस्कार देखिए सभी आपका, साथियों आप का, हमारी बहुत परिचर्चा बहुत जो 2024 शुरू की है उसमें जुड़े हैं। आज की परिचर्चा का जो विषय है वो है जननायक जनता पार्टी और हरियाणा में जो नई पार्टी बनी है बलराज कुंडू की, हरियाणा जन सेवक पार्टी। तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह से जो पहले जननायक जनता पार्टी है क्या उसका विकल्प बन सकती है हरियाणा के अंदर बलराज कुंडू की पार्टी? जोगिंदर जी हाँ बिल्कुल, आपका विषय है जो आज का जननायक जनता पार्टी और बलराज कुंडू की जनसेवक पार्टी। तो आप जैसे कि सिनेरियो देख रहे हैं प्रदेश में, उसमें जननायक जनता पार्टी का आधार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और जैसे बलराज कुंडू जी प्रदेश में घूम घूम के मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो विकल्प बनने के लिए पार्टी तैयार है।
कितने सीटों पे आप प्रभाव मानते धरातल हैं? पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि जननायक पार्टी तो सत्ता का सुख भोग रही है और जनसेवक पार्टी मैदान में संघर्ष कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और देखिए, आने वाले तो समय जाहिर में मुझे है लगता है सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जन सेवक पार्टी कुछ ना कुछ करने में सफल होगी। नरेश उस जी समय के अनुसार आपको क्या लगता है कितनी पता सीटों चलेगा पर कि वो इसका कैसा प्रदर्शन प्रभाव पड़ कर सकता है? पाती है कितनी आने वाले सीटों समय में। पर जो बलराज कुंडू की पार्टी है वो कितने सीटों पर अपना प्रभाव डाल करके कितनी सीटों तक पहुंच सकती है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अभी 90 पे तो नहीं, लेकिन जितने काबिल लोग उनको मिलेंगे उतने पे वो चुनाव लड़ेंगे। जी अनुप जी, देखिए जिस प्रकार से बलराज कुंडू ने जो यात्रा निकाली थी उसमें जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से मैं विधानसभा में आमजन की आवाज उठाता हूं उसी के लिए मुझे ये यात्रा निकालनी पड़ी कि 90 बलराज कुंडू मैं हरियाणा की जनता से मांगना चाहता हूँ। और वो यात्रा उन्होंने बिल्कुल निकाली भी, और उसमें वो कितने सक्सेस रहे ये भी आप लोगों के समक्ष बिल्कुल जग जाहिर है। इसके साथ साथ जैसा कि आपका सवाल है कि कितनी सीटों पर प्रभाव डालेंगे, सीटों का प्रभाव तो जैसा कि ये कह सकते हैं राजनीति अभी काफी लंबी जो है करने की मंशा में है बलराज कुंडू, और जिस प्रकार से एक नई पार्टी के साथ जुड़ने का हर कोई प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर धरातल पर कोई काम करेगा, धरातल पर अगर किसी का काम दिखेगा तो लोग उसके साथ जुड़ना भी पसंद करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनिल जी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं, आप अनिल बिठमड़ा की आईडी को सर्च कीजिए, उनके पास एक बार रिक्वेस्ट जरूर भेज दीजिए क्योंकि वो जुड़ना अनिल चाह रहे जुड़ हैं। और जाएंगे। जननायक जन जन जी, जरूर मैं कोशिश कर रहा हूँ। सतबीर चहल जी जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है सतबीर जी आपका। धन्यवाद भाई कुंडू साहब, सभी को भाई राम राम भाई, अपने दर्शक साथियों को और नरेश रोहा को, जी जी इंद्रपाल चार को और सभी राम को राम 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 सर, भाई। राम राम सर। और ठीक हो? सतवीर जी, आप भी धरातल पर कार्य कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है कहीं न कहीं बलराज कुंडू की पार्टी, हरियाणा जनसेवक पार्टी? कुंडू साहब इस तरह है, जो बलराज कुंडू जो मेहनत कर रहे हैं लगातार लोगों में जान लग रहे हैं, तो उभर के आने लग रही पार्टी, और जननायक जनता पार्टी नीचे जान लग रही है, क्योंकि कल भी एक जिला अध्यक्ष था नू में बात का, वो अपने कांग्रेस पार्टी में आ गए और छोड़ गए अपने जननायक जनता पार्टी, तो जननायक जनता पार्टी डाउन जान लग रही है, और बलराज कुंडू जी थोड़े ऊपर चढ़न लग रहे, लोगों से मिला है। और 7 तारीख को उकलाणा में रैली भी है, देखो रैली पे भी उकलाणा का पता लग जाएगा, लोग कितने चावा है, उकलाणा की बात करूं मैं तो 7 तारीख को पता लग जाएगा। जोगेंद्र जी, आप लगातार जुड़े हैं, जैसे आप साथियों को सुन भी पा रहे हैं, नरेश जी को भी सुना है और आपने हमारे साथी सतबीर जी को सुना है, इनका कहना है तो आप सुन पा रहे हैं, इस पे आपका क्या है कि बिल्कुल कितना जननायक जनता पार्टी का और इसका इस बार क्या रहने वाला है हरियाणा में? देखिए, लगातार पिछले साल से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों पे शामिल हो रहे हैं। भाई साहब ने बताया कि अभी कल ही नू का जो जिला अध्यक्ष था वो भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है, और अभी हिसार जिले की बात करें तो हांसी में भी एक जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था जननायक जनता पार्टी से, वो भी शायद पार्टी छोड़ के कहीं और जाने की तैयारी में है। तो इसी प्रकार से विधायकों का भी यही सुनने में आ रहा है कि जो वर्तमान में विधायक है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे दलों में अपना स्थान खोज रहे हैं, तो इसलिए जननायक जनता पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है, और इसका कारण ये है कि उन्होंने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देकर जमुना पार की बात करके उन्होंने 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन वो इस बार न तो जमुना पार की बात है और न ही 70 पार की बात करती थी भाजपा, वो और वो कह रहे थे कि जमुना पार, तो इस बार जमुना पार वाली बात ना रह के अब दूसरे दलों में लोग अपना भविष्य देख तलाशने शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है जोगिंदर जी कि हरियाणा में जो नई पार्टी बनी है ये कितने सीटों पे अपना प्रभाव डाल सकती है, कितने नुमाइंदे जीत सकते हैं, कितने पे चुनाव लड़ सकती है? देखो, जो बलराज कुंडू है वो रोहतक में, झज्जर में, जींद में और हिसार में उनका अच्छा प्रभाव है दिखाई दे रहा है,
पांच जिलों में, तीन चार डिस्ट्रिक्ट है जो रोहतक के आसपास है, रोहतक, झज्जर, जींद और हिसार। यहाँ की बातें करें तो यहाँ पर उनको राजनीतिक धरातल पे कहीं देखा जा सकता है, उनके कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं, उनकी बात करने वाले भी मिल जाते हैं। तो आज बलराज कुंडू का भविष्य कुछ अप है और जननायक जनता पार्टी का भविष्य डाउन होता जा रहा है। नरेश जी, आप बात कर रहे थे उकलाना की रैली को लेकर के, किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसके बाद कितना उत्साह आप देख सकते हैं कि इस नई पार्टी के कार्यकर्ताओं में, इनके सुप्रीमो में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे साथी ने ये जानकारी दी, हालांकि हमें जानकारी भी थी लेकिन दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई इस लाइव के माध्यम से सतवीर चहल जी ने कि 7 तारीख को जिस प्रकार से बलराज कुंडू जी एक रैली कर रहे हैं, इस रैली में कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो 90 बलराज कुंडू उन्होंने मांगे थे, एक बलराज कुंडू उकलाना से चुनने की जो कवायद है वो पूरी कर ले। और मेरी थोड़ी देर पहले एक साथी से बात हुई थी, वो जुड़ना भी चाह रहे थे, जब मैंने उनसे बातचीत की कि आज इस विषय पर एक परिचर्चा हो रही है तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अभी मैं फील्ड के अंदर ही हूँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता जब इतने एक्टिव है, चलिए लगता है नरेश जी का नेटवर्क के कारण कहीं संपर्क, रैली को सक्सेस किया जाए, किस प्रकार से इस रैली को अमलीजामा पहुंचा करके एक बड़ा विजन यहां से लिया जाए, क्योंकि बलराज कुंडू ने जो पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता की थी उकलाना में आकर के और ये कहा था कि एक बड़ा आगाज यहाँ से करने का हम काम कर रहे हैं, उकलाना की जनता से ये मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति चुन करके दीजिए जो कि आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर खुलकर उठा सके। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर रैली सक्सेस होती है तो एक बड़ा आप यहाँ से बलराज कुंडू की पार्टी को मिल सकता है, बाकी जनता जनार्दन है, जो भी करना चाहेगी वो उसके हाथों में है। जोगिंदर जी, कितना ये कार्यक्रम मान लो उकलाना का सफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पंचग्रामी की टीम भी है और हल्के में उसके साथी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो हरियाणा को लेकर के गए, अगर इस तरह की जिस कार्यक्रम इन्होंने सप्ताहवार रखे हैं, 7 तारीख का, फिर 14 का, फिर 21 का, फिर 28 का। नहीं अनुप जी, बात यह है कि जैसे उकलाना में कार्यक्रम कर रहे हैं बलराज कुंडू जी, एक तो पंचग्रामी का पूरा सहयोग मिलेगा उनको, क्योंकि पंचग्रामी में कुंडू जो गोत्र के जो लोग हैं वो ज्यादा है, बहुत संख्या में है, और वहां से 20-25 हजार वोटों का डेंट जननायक जनता पार्टी के ऊपर पड़ने वाला है। आने वाले समय में जो अनुप दानक जी वहां के मंत्री हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा पंचग्रामी में, यदि अच्छे कैंडिडेट को उकलाना में बलराज कुंडू देते हैं तो फाइट करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है। निश्चित रूप से जो मुख्य मुकाबला होगा वो कांग्रेस पार्टी में और जननायक जनता पार्टी में हो सकता है, न इसमें जनसेवक पार्टी में हो सकता है, नहीं में जी। सब तो आप लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जिला हिसार की बात की जिस प्रकार जोगिंदर जी बता रहे थे कि लगभग 5 ऐसे जिले हैं जहां पर बलराज कुंडू सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं हरियाणा की राजनीति पे नई पार्टी बना करके, तो आपको क्या लगता है ये 5 जिलों में ही इस तरह का प्रभाव रहेगा या फिर 90 विधानसभा क्षेत्र है सभी में कोई प्रभाव आ सकता है? कुंडू साहब 5 तो नहीं है, मैंने और भी है 22-23 जिले हैं, दूसरे जिलों में भी अच्छा मतलब प्रयास कर रहे हैं कुंडू। कैथल की बात करूं, कैथल में भी कई बार प्रोग्राम किए हैं, उसमें तो कैथल में बस लगाई है, कई गांवों में बस लगाई है और जींद में भी लगाई है, तो कैथल में भी अच्छा मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, बस लगाना ही तो ये एक उद्देश्य नहीं हो सकता कि बस लगाकर ही राजनीति में आ जाएं और सीधा सीधा उनको लोग वोट दे दें, क्योंकि इस तरह के तो जो कार्य है वो जेजेपी भी गिनवाएगी, बीजेपी भी गिनवाएगी। उन्होंने सर ठीक है प्राइवेट बसें कुछ चलाई हैं, लेकिन क्या लगता है नरेश जी? मेरा जाने का मतलब ये है, आप बता दो कोई नहीं जी, के अंदर बस लगाई थी बलराज कुंडू ने, वहां पर अच्छी मतलब तादाद लोगों की देखने को मिली थी, मतलब मेरा कहना मतलब कैथल में भी अच्छा उसका लोग उसको चाहते हैं, जब जब नायक सेवक पार्टी
हरियाणा जन सेवक पार्टी को कैथल भी मतलब आपसे मतलब लोगों देखिए उसकी पोस्ट पास्ट देखा हाँ लोगों की मतलब कमेंट देखा हाँ कैथल क्या ज्यादा मिला है नरेश जी। इस प्रकार के जो संसाधन जुटाने की बात है बेटियों के लिए, तो क्या ये वोट में तब्दील होकर के कहीं न कहीं इस पार्टी को आप ले जाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कार्य तो गठबंधन सरकार ने भी करवाए हैं, वो भी गिनवा रहे हैं काम तो इससे ज्यादा, आपको क्या लगता है नरेश जी? नहीं देखिए कुंडू साहब, ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में उतरता है तो पूरी तैयारी के साथ उतरता है जी। और जिस प्रकार के वायदे किए जाते हैं उन वायदों पर काम होना या ना होना ये बाद की बातें हैं, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी मुझे दिखाई दी कि वायदे करने से पहले इन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की है। जैसे सैल साहब ने भी बताया, आपने भी कई बार कवर किया होगा, लेकिन क्या पूरे इस सिनेरियो को देखे, क्या जनता इसको वोट में तब्दील कर पाएगी? ये एक ये कह सकते कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसमें बलराज कुंडू की जो नई पार्टी है हरियाणा जन सेवक पार्टी, वो क्या कर पाएगी ये भी एक बड़ा विषय है। इसमें कहीं ना कहीं कोई नया चेहरा जो है वो इसमें जुड़ पाता है, कोई बड़ा चेहरा जुड़ पाता है, या फिर हरियाणा में गठबंधन की जो राजनीति हम कह सकते हैं वो चल रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कई पार्टियां ऐसी है कि जो नेशनल लेवल की पार्टी होते हुए भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करें, हरियाणा में काफी वजूद जिन पार्टियों का रहा है वो भी इंडिया गठबंधन में नहीं है। ऐसे में अगर गठबंधन ये हरियाणा जनसेवक पार्टी उन पार्टियों से कर पाती है तो अच्छे लोगों को अगर वो जोड़ पाती है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ज्यादा नहीं तो कई सीटों पर ऐसा प्रभाव वो जरूर डाल देगी कि जिस पार्टी के खिलाफ लोग वोट देना पसंद करते हैं उसको हरवाने का काम जरूर कर सकती है। जोगिंदर जी, जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, आप जैसे बात कर रहे थे, और फिर गठबंधन हो गया, उसका एक बहुत बड़ा मतदाता उससे नाराज हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो नाराज मतदाता को मना पाएंगे, या फिर वो नाराज मतदाता अगर अपना रुख करेगा तो इनेलो की तरफ करेगा या नई पार्टी की तरफ कर सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, जब जननायक जनता पार्टी बनी थी तो उस टाइम पे जो पुरानी इनेलो थी वो सारी की सारी इनेलो के बड़े बड़े सीनियर नेता जेजेपी पार्टी में शामिल हो चुके थे। लेकिन आज जो बलराज कुंडू जी के साथ एक बात है कि वो कहीं से आए नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी अपने आप बनाई है और उनके पास नेताओं की काफी कमी है। यदि कोई अच्छा बड़ा नेता उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा नेता पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ है। और यदि चेहरा देखें तो सिर्फ एक ही चेहरा है कि बलराज कुंडू। बलराज कुंडू को आप कितना बड़ा चेहरा देखो, आज मुख्यमंत्री के बराबर का चेहरा नहीं बन पाए, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, राजनीति है और हरियाणा की जनता है, जनता पता नहीं किस साइड कहाँ चली जाए। एक बार दौर था चौधरी देवीलाल का तो 85-86 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने भी 70 के आसपास 67 सीटें जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी में जब 2014 में चुनाव हुए थे तो आप देखेंगे कि कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था, जिन नेताओं के 2-2 हजार 2-2.5 हजार वोट आते थे तो वो मंत्री बन गए थे और विधायक बन गए थे और अच्छे मार्जिन से जीत के आए थे। तो इसी प्रकार यदि बलराज कुंडू जी कोई बड़ा करिश्मा कर दिखाते हैं, कोई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर पाते हैं तो निश्चित रूप से बलराज कुंडू की पार्टी को फायदा होगा। ऐसी बड़ा चेहरा कह रहे हैं जोगिंदर जी, इनके पास नहीं है तो ऐसे में क्या कर पाएंगे बलराज कुंडू? देखिए बड़ा चेहरा अगर शामिल कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो उनके पास ऑप्शनल तो ये है कि गठबंधन कर सकते हैं किसी दूसरी पार्टी के पास जिनका काफी वजूद रहा है। हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो काफी चर्चाएं उनकी रहती है, ऐसे लोगों के साथ अगर वो गठबंधन कर पाते हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं तो वो सक्सेस हो पाते हैं। तो किस विचारधारा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, कुछ ऐसा आइडिया आपके दिमाग में है? नहीं, विचारधारा तो ये है कि हालांकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है बलराज कुंडू जो है कि शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा की तरफ जो विचारधारा जिस पार्टी की जाती हुई दिखाई देंगी। दूसरी अगर हम बात करें तो किसानों की भी काफी आवाज जो है बलराज कुंडू ने उठाने की काम किया है। ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि कई पार्टियां ऐसी है जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है लेकिन इंतजार कर रही है
कि कहीं ना कहीं उनको शामिल कर लिया जाए तो वो शामिल होने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हम कह सकते जी जी नहीं, आप नरेश जी अपनी बात पूरी कीजिए पहले। जी बिल्कुल, ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक तीसरा मोर्चा, हरियाणा के मोर्चे की अगर हम बात करें तो एक हरियाणा में भी तीसरा मोर्चा तैयार हो सकता है। और इस तीसरे मोर्चे में काफी पार्टियां ऐसी जो नई बनती जा रही है, पीछे में जिन पार्टियों ने अच्छा काम करने की कोशिश की है लेकिन सफल नहीं हो पाई है, तो ऐसे में हम जिक्र करना चाहेंगे किसान नेताओं की। वो भी कई बार ऐसा हम सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ते हैं कि वो भी पार्टी बनाने की बात करते हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी बनाई भी है और वो जैसे पंजाब में गुरनाम सिंह चडूनी ने पार्टी बनाई थी लेकिन उन्होंने वहां कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बाद में फिर एक उन्होंने सम्मेलन किया उसमें फिर से हरियाणा की राजनीति को जागृत करने के लिए, हरियाणा की राजनीति को तेज करने के लिए फिर राजनीतिक बातें करनी शुरू कर दी कि उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजनीति में हमारा आना जरूरी है। तो उन साथियों के साथ अगर मिलकर के, किसान नेताओं के साथ अगर मिलकर के काम करना बलराज कुंडू को अगर अच्छा लगेगा तो कहीं ना कहीं तो उनको वोटों में वृद्धि मिलने की आस हो सकती है। सतवीर चहल जी, आप क्या लगातार आपने बात भी की थी बलराज कुंडू से, वो गठबंधन से इनकार करते हुए नजर आए या उन्होंने कोई संभावना छोड़ी है गठबंधन की किसी पार्टी के साथ? कुंडू साहब गठबंधन हो सकता है, इनेलो के साथ होगा उसका 100% जहां तक मेरा मानना है। आपको कुछ इस प्रकार के इशारे मिले हैं? बिल्कुल है, थोड़ा डाउट है मेरे को, तो इनेलो के साथ गठबंधन हो सकती है। और तो किसान आंदोलन की बात करूं मैं, 13 दिन चलो लगता है सतपीर चहल जी का संपर्क हम कट हो चुका है। जोगिंदर जी, यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन रहा उसका कितना फायदा या नई पार्टी को मिल सकता है, हरियाणा जन सेवक पार्टी को, और गठबंधन का अगर हो तो किस तरफ जा सकती है पार्टी? देखिए हरियाणा का इतिहास यदि हम नजर डालें हरियाणा के इतिहास पर, क्षेत्रीय दल बहुत बड़े, चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई लेकिन वो एक बार सत्ता में तो आ गए लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाई। उसी प्रकार से दूसरे मुख्यमंत्री है चौधरी भजन लाल जी, उन्होंने जन हरियाणा जन कांग्रेस बनाई, वो भी हरियाणा में कुछ खास नहीं कर पाई। और फिर देवीलाल परिवार ने एक अलग से होके जन नायक जनता पार्टी बनाई, वो 10 सीटें जीतकर सरकार में तो साझेदार हो गए लेकिन वो अपने दम पे अपने लेवल पे हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने के कोसों दूर है अभी भी। और इसी प्रकार से जैसे बलराज कुंडू जी हैं तो हो सकता है एक बार कोई बड़ा धमाका कर दें, छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाली बात हो सकती है हरियाणा के सिनेरियो में। हरियाणा के लोग एक बार सबको मौका दे के देखते हैं और हो सकता है कि बलराज कुंडू को लोग मौका दे दें और उनको कुछ सत्ता में इस तरह से कोई पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने और उसमें बलराज कुंडू की आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बलराज कुंडू सरकार में हिस्सेदार हो सकते हैं, डिप्टी सीएम हो सकते हैं। चलो हमारे तो साथ जगदीप जी भी जुड़ चुके हैं और समय लास्ट में ही जुड़ पाए हैं, बहुत सारे साथियों की और रिक्वेस्ट भी पेंडिंग पड़ी थी। जगदीप जी आज जल्दी से आप बता दीजिए, आज का विषय जो है वो है जननायक जनता पार्टी और नई जो बलराज कुंडू ने पार्टी बनाई है, क्या जिस प्रकार से 2019 में जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर के सरकार की भागीदारी बन गई, तो आपको लगता है कि बलराज कुंडू की टीम उसका कोई विकल्प बन सकती है? नमस्कार सभी साथियों को, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। हरियाणा की राजनीति इसी तरीके से चलती है, जैसे पिछले सेशन में जजपा ने 10 सीट लेके सरकार से गठबंधन करके सरकार बनाई भाजपा से गठबंधन करके, और अभी भी जनसेवक पार्टी भी उसी रूप में हो सकती है कि किसी भी जो बड़ी पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना सकती है जनसेवक पार्टी भी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार मैं देख रहा हूं कि फील्ड में भी अच्छी मेहनत कर रही है जनसेवक पार्टी के कार्यकर्ता या वर्कर हैं, और एक अच्छा ओरा के नेता है बलराज कुंडू, तो अच्छा ओरा का नेता हमेशा ऊंचाई उठता है, आगे ही बढ़ता है, तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल हो सकता है जजपा की जगह ले सकती है जनसेवक पार्टी। जी देखिए
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का आज की परिचर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट है तो हम हर रोज इस प्रकार का एक सेशन लेंगे 30 मिनट का, जिसमें हर रोज एक नई परिचर्चा हम 2024 पर करेंगे। आज हमारे साथ नरेश जी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोगेंद्र जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश चहल जी जुड़े थे नरेश जी के साथ साथ, अनिल जी भी जुड़े थे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल एक नए विषय पर परिचर्चा करेंगे, और आप सभी से उम्मीद है कि आप इसी तरह जुड़ करके इस परिचर्चा में भाग लेंगे, और जो कुछ नया होने वाला है, क्या समीकरण बन सकते हैं, उन तमाम बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। सभी को नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।